हाय गाइस, मैं हूं वासिद हुसैन और एक बार फिर आपका स्वागत है देसी लॉयर चैनल पर। एक लंबे समय के बाद आपकी मोहब्बतों और आपके फ़ोन कॉल ने मुझे वीडियो बनाने पर फिर से मजबूर कर दिया, तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं कि आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। यूट्यूब पर हर तरीके की वीडियो है, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं जो मेरी पिछली वीडियो हैं उनको देख करके कि सर आप वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं मेरे साथ, तो अच्छा लगता है। अब मैं इस सफ़र को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं हम कोर्ट मैरिज की प्रोसेस को लेकर के, क्योंकि ये टॉपिक है सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल्स आते हैं तो कोर्ट मैरिज की प्रोसेस को लेकर ही आते हैं कि क्या नए अपडेट हुए हैं, क्या एज होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वगैरह वगैरह। तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कानून की नई नई जानकारियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए, और दूसरा है आपके पास आपके पते का कोई प्रमाण होना चाहिए। पते के प्रमाण में आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो इत्यादि, इन्हीं से काम चल जाता है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है एज प्रूफ का। एज प्रूफ के लिए आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास वर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अगर इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब मेडिकल सर्टिफिकेट भी मान्य होता है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर एज की, तो लड़के के लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी दिन कम है उम्र, तब आपकी शादी वैलिड नहीं होगी, आपकी कोर्ट मैरिज नहीं होगी। तो सेम डे कोर्ट मैरिज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले सेम डे कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप हिंदू हैं तब आर्य समाज मंदिर से आपकी शादी कराई जाती है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका सबसे पहले निकाह करा जाता है, और निकाह नामा जो मिलता है उसी के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी मैरिज की रजिस्ट्री करा दी जाती है। यही प्रोसेस हिंदू जो कपल्स हैं उनके केस में होता है। सबसे पहले उनकी शादी आर्य समाज मंदिर से कराई जाती है, वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसी के आधार पर उनकी रजिस्ट्रार ऑफिस में मैरिज को रजिस्ट्री करवा दी जाती है, रजिस्टर करा दिया जाता है। वो जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के यहाँ से मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और पूरी तरीके से वैलिड रहता है। तो अगर हम बात करें कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट से जो कोर्ट मैरिज होती है वो लोग क्यों कराते हैं, वो लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट उन लोगों के लिए है जो अलग अलग धर्म से आए हुए हैं, जो अपने रीति रिवाजों के अनुसार शादी नहीं करना चाहते हैं, पहले स्पेशल मैरिज एक्ट से केवल कानूनी रूप से पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 30 दिन का टाइम लगता है। सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सेम डे कोर्ट मैरिज का। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तब भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।